आज का मेरा इस वीडियो का टॉपिक है, मैं इस वीडियो में आपको ये दिखाता हूँ कि फ्रिज में लगी थर्मोस्टेट चाहे सिंगल डोर का हो या फिर डबल डोर का, दोनों सेम तरीके से काम करता है। इसको चेक करना ये खराब है या फिर नहीं, सही है या फिर खराब, पहचानने के काफ़ी सिंपल तरीके बताऊंगा। मेरी बातों को सुनेंगे ध्यान से, वीडियो एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले थर्मोस्टेट का जो सेंसर होता है, उस सेंसर को देखना है। मुंडी के पास में सोल्डिंग हुआ होता है, जो कि इसमें गैस डालकर छोड़ दिया जाता है, उसी को मुंडी के पास सोल्डर करके ब्लॉक करके रखा जाता है। अगर आप देखते हैं कि सेंसर में मुंडी उसकी टूट चुका है, मतलब ये जो थर्मोस्टेट है इसमें अगर पॉइंट बताता भी है तो भी मुंडी टूटने की वजह से इसमें से जो गैसेस होती है वो उड़ जाता है, तो ये थर्मोस्टेट खराब हो गया। दूसरा देखते हैं कि मुंडी यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया से जुड़ा हुआ है, लेकिन पाइपलाइन भी यहाँ पर देखेंगे तो बहुत बुरी तरीके से कहीं पर पंचिंग हो गया है, बुरी तरीके से चिपट गया है, तो भी थर्मोस्टेट खराब है। आप समझ सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट चेक करेंगे, पॉइंट बता रहा है, लेकिन तार बहुत चिपटा हुआ है तो भी वो खराब है, ऐसे समझ सकते हैं। थर्मोस्टेट को चेक करने का बहुत सिंपल और आसान तरीके होते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मेरी बातों को सुनेंगे बिल्कुल ध्यान से, ताकि आप अपने फ्रिज की थर्मोस्टेट को चेक कर सकोगे। काफ़ी सिंपल है, उसके लिए आपको लेना होगा एक बर्फ। देखिए मैं यहाँ पर बर्फ ले लिया हूँ, इसका जो सेंसर है उसको बर्फ में डुबा देनी है। देखिए तो मैं यहाँ पर इसके सेंसर को इस तरीके से बर्फ में डुबा दिया हूँ, आप देख सकते हैं, लाइव वीडियो है। इसके बाद हमें कोई भी कंटिन्यूटी ले लेना है, चाहे मल्टीमीटर का हो, चाहे यहाँ पर मैं ये नॉर्मल कंटिन्यूटी यूज़ कर रहा हूँ। देखिए तो बर्फ में डूबा है, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं थर्मोस्टेट में कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं बता रहा है, ठीक है। तो ये थर्मोस्टेट जो है यहाँ पर देखिए पॉइंट नहीं बता रहा है, तो ये थर्मोस्टेट चालू है और सेंसर को हटा देनी है। हटाने के बाद इसको डायरेक्ट कंटिन्यूटी लगाकर देखना है, तो अब यहाँ पर ये कंटिन्यूटी बताना चाहिए, तो ये चालू है और यहाँ पर अगर कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, देखिए सेंसर मैं बर्फ से अलग कर दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करता हूँ तो कंटिन्यूटी यहाँ पर नहीं बता रहा है। इस तरीके से आप मेरी दो तीन बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और उस तरीके से चेक करेंगे तो फ्रिज के थर्मोस्टेट को अपने ही घर पर चेक कर सकते हो। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, फिर से लाएंगे नई वीडियो नई जानकारी लेकर।